माँ बाप जो जिनके जिस्म का हम टुकड़ा होते हैं, अल्लाह ताला जिनके ज़रिए हमें दुनिया में भेजता है, पैदा होते ही हमें हमारे दूध पानी खाने का बंदोबस्त करते हैं, और जब सर्दियों में बच्चा जो है बिस्तर पे पेशाब कर देता है तो माँ उसको उठाती है, खुश्क जगह पे रखती है, खुद गीली जगह पे सो जाती है। हम उनके साथ एहसान कर सकते हैं? हम उनके साथ एहसान नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, वह बिल वालिदैनी एहसाना। अल्लाहु 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 अल्लाह से हल्की हल्की फुल्की बात नहीं करेंगे। किसी के गर्दन में लोहे का तोक बंधा होगा, कोई मुंह के भल घसीटते हुए आ रहे होंगे, कोई पसीने में डूबा होगा, किसी के गर्दन में जंजीरें डली हुई होंगी, किसी को फरिश्ते हांकते हुए ला रहे होंगे, किसी को फरिश्ते मार रहे होंगे, सब के सब जो है ना इंतहाई सख्त तकलीफ़ में होंगे, और सूरज बिल्कुल यहाँ पे होगा, जल रहे होंगे वो सूरज से, लेकिन मरेंगे नहीं, मौत नहीं आएगी। अभी हिसाब नहीं हुआ, हशर के मैदान की बात कर रहा हूँ। तो आपके माँ बाप ने सबसे पहले क्या किया, आपको पैदा होते ही टिकट दिया है कि बेटा मैं हूँ या ना हूँ, रोटी कम खाएं या ज़्यादा खाएं, सर्दी लगे या गर्मी लगे, पार्क में लेके जा सकूँ या ना लेके जा सकूँ, स्कूल अच्छा हो प्राइवेट हो या सरकारी हो, ये टिकट बेटा मैंने तुम्हें ले दिया है। अब दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर होगा, अब मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। तो अल्लाह ने आपको सबसे पहले आपको वो माँ बाप दिए कि जिन्होंने आपको जन्नत का VVIP टिकट लेकर दिया, ठीक है। तो जो माँ बाप अपने बच्चों को VVIP टिकट लेकर देते हैं, वो माँ बाप भी बड़े स्पेशल होते हैं, क्या ख्याल है? वो अल्लाह को कितने पसंद होंगे? अल्लाहु वलीयुल लज़ीना आमनु, अल्लाह कहता है कि मैं ईमान लाने वालों का दोस्त हूँ। क्लास में जो सबसे अच्छा बच्चा होता है, सबकी कोशिश होती है कि ये हम इससे दोस्ती करें, और जो पूरे स्कूल में सबसे अच्छा बच्चा हो, सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाला हो, तो उसके साथ जिसकी दोस्ती होगी सब रश करेंगे। लेकिन अगर किसी को स्कूल के प्रिंसिपल साहब आके कह दें कि तू मेरा दोस्त है, कितने खुश होगा ना वो, उसके उसको कोई डांट नहीं पड़नी, उसको मार नहीं पड़नी है। कभी कभी होता भी है ना, टीचरें कह देती हैं छोटे क्लास के बच्चे को कि तुम ये मेरा दोस्त है, वो कितना खुश होता है ना, हर वक्त वो टीचरों के पास जाके मिलता है और वो स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है, खाने पीने को भी देती हैं, है ना, ये हंस रहा है, लगता है ये रहा है बच्चे छोटे होते हुए। तो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाहु वलीयुल लज़ीना आमनू, इस पूरी कायनात में हर तरह के लोग मौजूद हैं, पूरी दुनिया में, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है, कोई मुसलमान है, कोई काफर है, कोई काला है, कोई सफ़ेद है, कोई भूरे रंग का है, कोई छोटा कद का है, कोई बड़े कद का है, कोई बादशाह है, कोई फ़कीर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, हर तरह के लोग हैं। उसमें से अल्लाह ताला ने कह दिया कि अल्लाहु वलीयुल लज़ीना आमनू, कि जो अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, वो क्या है, अल्लाह उनका, वो अल्लाह के दोस्त नहीं, अल्लाह कह रहे हैं अल्लाहु वलीयुल लज़ीना आमनू, अल्लाह उनका दोस्त है। उनका दोस्त कौन है? अल्लाह उनका दोस्त है। तो आपके माँ बाप कौन है? जिनका अल्लाह दोस्त है। कौन है आपके माँ बाप? अल्लाह जिनका दोस्त है। खुद सोचे, खुद सोचे, इमरान खान किसी का दोस्त हो वो क्या हो जी, ये तो इमरान खान का दोस्त है, इमरान खान इसका दोस्त है, वाह जी वाह क्या बात है, ऐसा ही है ना। तो जिनका दोस्त अल्लाह है वो कौन है? वो आपके माँ बाप हैं। कौन है आपके माँ बाप का दोस्त? कौन है? अल्लाह है। और फिर आपके माँ बाप ने आपको वो टिकट लेकर दिया है कि जिससे अल्लाह आपका भी दोस्त बन जाए, ऐसा ही है। फिर उसमें से भी देखें अभी कितने बच्चे होंगे मुसलमानों में भी जिनको अम्मी कह रही होंगी बेटा नमाज पढ़ लो, वो आगे से कह रही होंगी नहीं पढ़नी, दिल नहीं चाह रहा, है ना। कितने बच्चे होंगे जिनको अब्बू कह रहे होंगे मदरसे जाओ, कुरान पढ़ लो, सुपारा पढ़ लो, वो नहीं पढ़ रहे होंगे। कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको माँ बाप कह ही नहीं रहे होंगे, कार्टून मोबाइल पे लगा के देख रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा होता हिंदुओं वाली चीज़ें देख रहे हैं कि मुसलमानों वाली देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं कि फिल्म देख रहे हैं,
और माँ बाप अपने कामों में लगे होते हैं, ऐसे भी है ना, उनमें से भी देखें अल्लाह ताला को आप लोगों से कितना प्यार है। क्या नाम है आपका? असदुल्ला। सादुल्ला। आपका क्या नाम है? जिशान। और सबसे छोटा कौन है इधर? आप, आपका क्या नाम है? हसनैन। तो अल्लाह को देखें कितना प्यार है कि असदुल्ला, सादुल्ला, जिशान, हसनैन, ये इधर उधर जाने के बजाय उल्टी चीज़ें से सीधी चीज़ें देखने के बजाय कि जिससे ये गलत रास्ते पे चले जाएं, जिन जिससे अल्लाह की नाराज़गी हो सकती है, उसके बजाय अल्लाह ताला ने सादुल्ला को, जिशान को, हसनैन को, आप सब को क्या कहा है? नाज़िम साहब को आपके पास भेजा है कि आओ चलते हैं, आओ चलते हैं, नमाज भी पढ़ेंगे, खेलकूद भी होगी, तराने भी सुनेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, और गरम गरम जगह भी होगी, वो मरी में गांव में सर्दी भी ज़्यादा है, उससे भी फ़ायदा होगा। कितने सारे ऐसे हैं कि जिनके जिनको लकड़ियाँ चुन के लानी पड़ती थी, तो अभी अब्बू कह रहे होंगे बेटा तुम जाओ, कोई बात नहीं मैं ले आऊँगा। है कोई ऐसा अभी? है, कौन है आप? तो मरी में ऐसे भी होता है ना, मैं मरी का हूँ इसलिए मुझे पता है। तो देखें अल्लाह ताला को कितना प्यार है आपसे, है ना। तो जब अल्लाह बंदे से इतना प्यार करता है, इतने अच्छे माँ बाप दिए, कौन से माँ बाप दिए? ऐसे भी लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने वो वाले माँ बाप नहीं दिए कि जो आपको दिए। अल्लाहु वलीयुल लजीना आमनू, जिनका दोस्त अल्लाह है, अल्लाह ने आपको वो वाले माँ बाप दिए हैं। ऐसे कितने सारे बच्चे हैं, लाखों करोड़ों अरबों के हिसाब से बच्चे होंगे कि जिनको अल्लाह ताला ने वो माँ बाप दिए हैं जिनका वो दोस्त नहीं है, यानी कि जो लोग कलमे पे अल्लाह के वहदानियत पर और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर यकीन नहीं रखते, ऐसे माँ बाप भी दिए, उसमें से भी आपको टॉप क्लास के माँ बाप दिए, बेस्ट क्लास, VVIP। तो जब अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि माँ बाप वो दिए जिनका अल्लाह दोस्त है, टिकट जिन्होंने आपको आते साथ दे दिया कि दुनिया में और आखिरत में आपको VIP प्रोटोकॉल मिले, फिर अल्लाह ने आपको घरों से उठाया, यहाँ पर आपके खाने पीने का बंदोबस्त किया, पढ़ाई का बंदोबस्त किया, नमाज कुरान सीखने का बंदोबस्त किया, तो फिर बंदा क्या करे? बंदा क्या करे? बंदा क्या करे? क्या करे? क्या करे बंदा? शुक्र अदा करे। तो शुक्र अदा करेगा तो क्या होगा? अल्लाह ने कुरान में कहा है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो क्या करूंगा? और भी ज्यादा दूंगा, बढ़ा कर दूंगा, ज्यादा दूंगा। शुक्र अदा करना है, ठीक है जी। और दूसरा काम क्या करना है कि अल्लाह ताला ने जो आपको बेस्ट गिफ्ट दिया है, ऐसा गिफ्ट दिया है कि जो अल्लाह की स्पेशल चीज़ है ना, जिनका अल्लाह दोस्त है वो क्या है? स्पेशल चीज़ है ना। तो अल्लाह ताला ने अपने दोस्त आपको दिए हैं, अल्लाह ताला ने अपने दोस्त आपको दिए हैं माँ बाप बनाकर, जिनका अल्लाह दोस्त है अल्लाह ने वो आपको दिए हैं और आपके माँ बाप बनाए हैं, जो आपको खाना बना के देती हैं आपकी अम्मी, आपकी वालदा, वो अल्लाह की दोस्त हैं, और जो आपके अब्बू हैं, कभी डांट भी पड़ जाती है, कभी प्यार भी करते हैं, कभी चीज़ें ला कर देते हैं, वो क्या हैं? अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह ने आपको बेस्ट चीज़ दी है तो उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और जो चीज़ अल्लाह ने दी है उसकी क्या करनी है? कदर करनी है। और माँ बाप जो अल्लाह ताला ने दिए, अल्लाह ताला के हुकूक के बाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक के बाद किसके हुकूक हैं? वालदेन के हुकूक हैं। उनकी कदर करनी है, उनकी बात माननी है, उनकी खिदमत का हक अदा करने की कोशिश करनी है। वह अल्लाह ताला तो कुरान में कहता है वह बिल वालिदैनी एहसाना, वालदेन के साथ एहसान करने की कोशिश करो। वालदेन के साथ एहसान कर सकते हैं आप? ये अल्लाह ताला के तौफीक से ये जो नाजिम साहब और सारे साथी आपको यहाँ पर लेकर आए हैं ना,
आपकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, पढ़ाते हैं, दीन सिखाते हैं, फिर आपको ठंड ना लग जाए उसका ख्याल रखते हैं, खाना आपका पूरा हो उसका ख्याल रखते हैं, किसी को सर्दी तो नहीं लग रही उसका ख्याल रखते हैं, पढ़ाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, अपना घर बार पढ़ाई सब कुछ छोड़ कर आते हैं। तो अगर आप में से किसी को मैं कहूँ या हसनैन को कहूँ कि आपने नाज़िम साहब के ऊपर एहसान करना है, तो एहसान का मतलब तो ये होता है जितना कोई करे उससे बढ़ा कर करे, तो एहसान हसनैन कर सकता है? नहीं कर सकता ना, जब तक कि नाज़िम साहब को ये सब कुछ ना करे उससे ज़्यादा बढ़ के करे तो वो तो मुश्किल हो जाएगा। तो जब नाज़िम साहब के साथ एहसान नहीं हो सकता तो माँ बाप के साथ एहसान हो सकता है? माँ बाप जो जिनके जिस्म का हम टुकड़ा होते हैं, अल्लाह ताला जिनके ज़रिए हमें दुनिया में भेजता है, पैदा होते ही हमें हमारे दूध पानी खाने का बंदोबस्त करते हैं, और जब सर्दियों में बच्चा जो है बिस्तर पे पेशाब कर देता है तो माँ उसको उठाती है, खुश्क जगह पे रखती है, खुद गीली जगह पे सो जाती है, हम उनके साथ एहसान कर सकते हैं? हम उनके साथ एहसान नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, वह बिल वालिदैन एहसाना, कि वालिदैन के साथ एहसान करो। तो हम कर तो नहीं सकते, इसका मतलब यह है कि वला तकुल लहुमा उफ्फ वला तनहरहुमा, कि उनके सामने चूं भी नहीं करनी। उफ उर्दू में ना ज़रा सख्त लफ्ज़ है, उफ तंग पढ़ के बंदा कहता है, लेकिन अरबी में ये इंतहाई लतीफ़ वर्ड है, हल्की सी नागवारी, जिसको मैं उसका तर्जमा करूँ तो वह बनेगा कि चूं भी नहीं करनी उनके सामने। तो एहसान का मतलब ये, एहसान हम कर तो नहीं सकते, कोशिश क्या करनी है कि उनके सामने बिल्कुल ज़रा सी भी गुस्ताखी, ज़रा सी भी नाराज़गी नहीं करनी। और अल्लाह ना करे अगर कभी किसी से हो गई है या हो जाए, तो फिर माँ बाप के पाँव दबाए, लाड करे, माथे पे बोसा दे दे, हाथ चूम ले। अब्बू अक्सर के सख्त होते हैं, तो उनके साथ बंदा नहीं कर सकता, तो उनको बंदा पानी का गिलास ही ला दे, शर्म तो आ रही होगी, आहिस्ता से बंदा सॉरी कह दे, तो ताकि वो दिल में नाराज़ ना हो, उन्हें पता हो कि बच्चा अच्छा है। जब वो दिल में नाराज़ नहीं होंगे, कभी गलती अल्लाह ना करे हो भी गई तो इंशाल्लाह वो भी माफ़ कर देंगे, अल्लाह भी माफ़ करेगा। जब माँ बाप राज़ी होंगे तो अल्लाह भी राज़ी होगा। और क्या दुआ करनी है हर नमाज के बाद आज से सब ने, माँ बाप के लिए क्या दुआ है, सबको आती होगी, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना है, फिर क्या करना है, वबिल वालिदैनी एहसाना, वालदेन के साथ एहसान करने की कोशिश करनी है, और वला तकुल लहुमा उफ्फ वला तनहरहुमा, कभी उनके सामने हल्की सी चूं भी नहीं करनी, और ना ही कभी उनके साथ, वला तनहरहुमा, कभी उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी। चाहे हम जितने भी बड़े हो जाएं ना, बादशाह बन जाएं, वज़ीर आज़म बन जाएं, सदर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, अमीर कबीर हो जाएं, माँ बाप के लिए हम क्या रहेंगे, बच्चे ही रहेंगे। उनके साथ कभी भी बदतमीज़ी नहीं करनी, सख्त बात नहीं करनी, तो इंशाल्लाह हमें दुनिया व आखिरत की अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा।